हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि 2020 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नोबेल प्राइज जैसा कि आपको पता ही होगा, ये हर साल किसी न किसी को दिया जाता है कुछ अलग अलग क्षेत्रों में। तो इस बार जो फिजिक्स में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज है उसका आज ऐलान कर दिया गया है। अब ये किसे दिया जा रहा है, ये एक्चुअली कंबाइंड रूप से दिया जा रहा है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजल और एंड्रिया घेज को। अब इसमें से इन तीनों लोगों को कंबाइंड रूप से दिया जा रहा है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा एक समझने वाली बात यह है कि ये जो भी अवार्ड है इसका हाफ पार्ट जो है रोजर पेनरोज को दिया जा रहा है और बचा हुआ हाफ पार्ट में से दो पार्ट होंगे जो कि कंबाइंड रूप से रेनहार्ड जेंजल और एंड्रिया घेज को दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखना, यानी हाफ़ रोजर पेनरोज को दिया जा रहा है और बाकी के हाफ़ में से दो पार्ट करके बाकी के दो लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। अब इनको क्यों दिया जा रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि रेनहार्ड जेंजल और एंड्रिया घेज को इस साल का फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन दोनों ही साइंटिस्ट ने हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट को खोज निकाला है। यानी जो हमारी गैलेक्सी है उसके सेंटर में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है कोई, उसको इन्होंने खोजा है, इस वजह से इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ इस साल का दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें रोजर पेनरोज को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ इस साल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने बताया था कि ब्लैक होल फॉर्मेशन से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ब्लैक होल फॉर्मेशन से प्रेडिक्ट करके इन्होंने बताया हुआ था। अब अगर इस नोबेल प्राइज़ से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हम जानें तो इसके बारे में शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि 1901 से लेकर अब तक ये 113 बार 212 लोगों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। जॉन बार्डिन को ये पुरस्कार दो बार मिल चुका है, यानी ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें ये दो बार मिल चुका है। और 113 बार में 212 लोग कैसे हुए, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी किसी एक को दिया जाता है, कभी कभी दो लोगों को कंबाइंड रूप से दिया जाता है और कभी कभी तीन लोगों को भी कंबाइंड रूप से इस प्राइज़ को दिया जाता है, इसलिए लोग ज़्यादा हैं और टाइम्स यानी 113 टाइम्स 212 लोगों को दिया गया है। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए और अगर कुछ फैक्ट देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से दिया जाता है और उसके जो जनरल सेक्रेटरी है होरान हैंसन, उन्होंने इस पुरस्कार का ऐलान किया है, ठीक है। अब इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है, इस पुरस्कार में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं जिनकी कीमत लगभग 11,18,000 डॉलर के आसपास इनकी कीमत होती है। और सबसे पहली बार इस पुरस्कार की शुरुआत 124 साल पहले यानी 124 ईयर्स अगो अल्फ्रेड नोबल ने की थी, तभी से ये पुरस्कार दिया जाने लगा है। ओके,